गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है वो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड स्टॉक रहने वाली है, और ये जो कंपनी है ये पेट्रोल मैन्युफैक्चर नहीं करती है, पेट्रोल रिफाइन नहीं करती। ये जो कंपनी है वो पॉली आइसो ब्यूटिलिन जो केमिकल है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने डेप रिड्यूस किया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सितंबर 2021 की जो रिजल्ट आने वाला है तो वो भी बहुत सही निकलने वाली है। इस कंपनी का प्रॉफिटेबल रहने वाली है कंपेयर टू जून क्वार्टर। उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, और कंपनी की अगर 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.63% CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स, ये निकल के आ रही है। उसके बाद अगर कंपनी की 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें ये बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आ रही है, 1.59% निकल के आ रही है 5 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की। तो चलिए पहले स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में बात करें। एक लंबा चैनल में कंपनी ट्रेड कर रही है, कभी भी ब्रेकआउट हो सकती है। ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को क्या करना है पहले उसके बारे में बात करते हैं, लास्ट में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद डिस्कस करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोठारी पेट्रोकेमिकल एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है, और जिस ट्रेंड के बारे में मैं बात कर रहा था, जिस चैनल के बारे में मैं बात कर रहा था, इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है। अगर ब्रेकआउट होती है तो 60 रुपीज़ की फास्ट टारगेट निकल के आएगी, और उसके बाद स्टॉक की जो ऑल टाइम हाई है 65 रुपीज़, ये जो 65.65 के लेवल है ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई है जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है, इसके ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। कंपनी ऑलमोस्ट जो है वो 1999 से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और वो एनएससी में ही लिस्टेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनवरी 1999 से ये कंपनी लिस्टेड है, और वो एनएससी में ही 1999 से लिस्टेड है। तो और ये जो निकल के आ रही है 65.65 के लेवल, ये इसका ऑल टाइम हाई है, उसके साथ साथ 52 वीक हाई भी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो मतलब ये जो पैटर्न की ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 60 एंड 65। अगर इसके ऊपर मतलब 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है स्टॉक तो आप लोगों को ये आप लोगों को दिख रहा है एक रेक्टेंगल से, ये रेंज में कहीं पर भी ये कंपनी नीचे के लेवल में मतलब इस लेवल से रेजिस्टेंस करके नीचे गिर सकती है, जो कि 75 से 78 रुपीज़ के रेंज निकल के आ रही है। ये एक रेंज डिनोट करने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है, ये आप लोगों को 75 से 78 रुपीज़ के रेंज आप लोगों को देखने को मिल सकती है एज ए थर्ड टारगेट अगर 52 वीक हाई तोड़ देती है कंपनी। तो चलिए अब बात करते हैं कितने क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है आज उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग एनएससी के वेबसाइट में आ गए हैं, निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 51.9 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे 873 क्वांटिटी बाइंग की तरफ पेंडिंग है, और आज की अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 94,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 49 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। डिलीवरी पोजिशन के बारे में बात करें 61% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, मतलब 58,112 क्वांटिटी आज डिलीवरी ट्रेड लिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में कैसे रहने वाली और कितना रिस्क है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉली आइसो ब्यूटिलिन। उसके बाद मार्केट कैप 305 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। स्टॉक का ROC 27%, ऑलमोस्ट ROE 20%। स्टॉक का PE 10.7 का है, जो कि एक बहुत ही सही एक मल्टीपल का स्टॉक होने के लिए जो ROC और ROE चाहिए वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और स्टॉक का PE भी ठीक ठाक ही है। करंट प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रहे हैं, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है कंपनी। डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में आप लोग देख सकते हो प्रोज में ही ज़्यादा कुछ है, कॉन्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, उसमें भी एक वैलिड पॉइंट नहीं है, और दूसरा पॉइंट भी एज सच कोई स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं कंपनी डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सितंबर की क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाला है वो बहुत ही सही आने वाला है, ये एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था, और जो डिलीवरी डिविडेंड जो देती है कंपनी नहीं देती है, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मैं कौन से काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर जो कंपनी है वो कंपनी अपना डिविडेंड पे आउट नहीं करके मतलब डिविडेंड नहीं देके अगर कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है तो इनडायरेक्टली तो इन्वेस्टर्स का ही फायदा है ना। अगर मान लो कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड देती है तो उसमें टैक्स कट जाएगा गाइस, आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा उसमें अलग से। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो आप लोगों को उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, जब आप लोग सेल करोगे तब आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप लोग 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, अगर डिविडेंड देती है तो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट मतलब स्टॉक का प्राइस ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाता है डिविडेंड देने के बाद, सबको पता है गाइस। डिविडेंड जब अनाउंस होता है तब ऊपर हो जाता है, उसके बाद कंसोलिडेट करती है, बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक की प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, और ऊपर से अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तो उसमें टैक्स कट जाता है,
और अगर आप लोग अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देख के वो जो पैसा है फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है, तो आपका जो पैसा है वो तो बढ़ेगा ही, और उसके साथ साथ सिर्फ आप लोगों को जब स्टॉक सेल करोगे उसी टाइम जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो LTCG देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यही सिर्फ आप लोगों को फ्लैट देना पड़ेगा, बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर डिविडेंड देती है कंपनी तो डिविडेंड के ऊपर अलग से टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनी का जो टोटल ग्रोथ होगा वो भी कम होगा कंपेयर टू अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। उसके साथ साथ कंपनी की भी ग्रोथ कम होगी क्योंकि डिविडेंड का जो पैसा है वो कंपनी रीइन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी की पोर सेल्स ग्रोथ की तरफ। 1.59% यह कि बहुत ही कम निकल के आ रही है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टरली रिजल्ट में एक अच्छा खासा सेल्स में जंप देखने को आप लोगों को मिला है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। और अगर सेप्टेम्बर क्वार्टर में 8 करोड़ से प्लस जो प्रॉफिट फिगर वो निकल के आ रही है तो आ जाती है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या तो फिर ऑल टाइम हाई का जो मतलब एक अच्छा खासा रिकॉर्ड सेट कर सकती है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो देख सकते हो करंट TTM में ऑलरेडी 29 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी कंपेयर टू मार्च 2020, मतलब 2021 की फाइनेंशियल ईयर में 23 की प्रॉफिट दिखाई दे, और अभी सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर को 6 महीने हुआ है और अभी से 29 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है, तो आगे भी सोच सकते हो 40 करोड़ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट आने वाला है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास सिर्फ 4 करोड़ की डेप्ट है, तो कंपनी कभी भी डेट फ्री बन सकती है। अगर पास चेक करें तो कंपनी डेट फ्री थी, लेकिन उस टाइम पर कंपनी के पास बोरोइंग्स नहीं थी, मार्च 2010 से पहले कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो मैं बता नहीं सकता कि कंपनी के पास पहले डेप्ट रिड्यूस किया था या फिर कोई बोरोइंग्स नहीं थी कंपनी के पास। लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा स्कोप था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेट फ्री हो जाने की अच्छा खासा स्कोप था, लेकिन वो स्कोप बहुत ही कम बढ़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था कंपनी के पास डेट फ्री होने का, देख सकते हो 2 करोड़ की डेट था लेकिन रिजर्व सिर्फ 1 करोड़ की था, तो हो सकता है कंपनी फ्यूचर में डेट फ्री बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 1 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है कैश फ्लोज में। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न तो स्टॉक का मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो गाइज सॉरी अबाउट इट, आई कांट हेल्प यू। एंड अभी बात करते हैं गाइज, देखो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो तो बाय करके चल सकते हो, क्योंकि ठीक ठाक है। देखो गाइस प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा खासा है, ऊपर से एक पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड एक स्टॉक है, तो गाइस अच्छा खासा पैसा आप लोगों को बना के दे सकती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब रियली लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के बाद मैं कर रहा हूँ। लेकिन देखो गाइस पहले जब 1999 से बहुत दिनों तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करती आ रही थी, बहुत दिनों तक अगर आप लोग चार्ट देखोगे, मैंने भी दिखाया आप लोगों को, कंसोलिडेट की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी करने वाली है, क्योंकि इसका जो ROC और ROE देखोगे, होने को तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, अगर ऐसा होने को हुआ तो मतलब कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, अगर वो सब सोच के बैठे हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, अच्छी कंपनी है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। स्विंग ट्रेडिंग लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लॉन्ग टर्म में भी कैसी है कंपनी मैंने आप लोगों को बता दिया, अब कैसे इन्वेस्ट करना है वो तो आपके ही ऊपर है, आफ्टरऑल आपका पैसा है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, वो सब तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइज। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके आपका जो डाउट है या क्वेरी है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय गाइज एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।